अगली खबर, जहां चाचौड़ा में हुए नाबालिग छात्रा से गैंगरेप मामले में छठवीं आरोपी अभिषेक मीणा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें वह खुद को निर्दोष बता रहा है। आपको आरोपी का कहना है कि वह रेप कांड में शामिल नहीं था और उसे इस मामले में कुछ नहीं मालूम। तो हमने हमारे मकान में अभी थी, सुधार देंगे इसको। तो वो बोल रहा था कि वो गाड़ी में ले जाऊंगा, तो उसने मेरे से चाबी मांगी, तो मैंने सोचा गाड़ी ले जाएगा वो मेरे रूम पे से। मैंने उसे चाबी दे दी और फिर उसके बाद मुझे पता नहीं उन्होंने क्या किया, कब लड़की ले गए, कब क्या किया है। मैं जैसे ही मकान पे पहुंचा, वहां पे उसने लड़की वहीं पे रूम में सो रही थी, तो मैंने बोला मैंने ये क्या है यार, ये कैसे क्या है, मैं मतलब मैं लड़की मर जाएगी, मैंने ये उसकी हालत देखो, इसे यहाँ से ले जाओ। तो हमने हमारे मकान में अभी थी, सुधार देंगे इसको। तो वो बोल रहा था कि वो गाड़ी में ले जाऊंगा, तो उसने मेरे से चाबी मांगी, तो मैंने सोचा गाड़ी ले जाएगा वो मेरे रूम पे से। मैंने उसे चाबी दे दी और फिर उसके बाद मुझे पता नहीं उन्होंने क्या किया, कब लड़की ले गए, कब क्या किया है। मैं जैसे ही मकान पे पहुंचा, वहां पे उसने लड़की वहीं पे रूम में सो रही थी, तो मैंने बोला मैंने ये क्या है यार, ये कैसे क्या है, मैं मतलब मैं लड़की मर जाएगी, मैंने ये उसकी हालत देखो, इसे यहाँ से ले जाओ। और इस पर विस्तृत जानकारी के साथ हेमंत बैरागी हमारे जीवंत बैरागी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हमारे साथ बता जीवंत, इस वीडियो के सामने आ जाने के बाद पुलिस की तरफ से क्या स्टेटमेंट सामने आया? बिल्कुल बुशरा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो कल जारी किया है और ये एक एक करके दो तीन आरोपियों ने ये वीडियो जारी किए हैं। और कल वीडियो जारी होने के बाद ही पुलिस और राजस्व की टीम इनके ग्राम पहुंची। ग्राम पहुंचकर इनके मकानों को चिन्हित किया गया है, जो आज तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जीवन।